हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से जो जनसेवा केंद्र संचालक है उनकी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी बंद हो गई है। तो आज इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनकी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी जो बंद हुई है वह किस कारण से हुई है और अब वह जब अपने फोटो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। दोस्तों कुछ जनसेवा केंद्र संचालक जो है क्या कर रहे हैं कि जब अपने फोटो खींचते हैं वह सेंटर का तो वहाँ पर अपने कैमरे की लोकेशन ऑन नहीं करते और उसी फोटो को अपलोड कर रहे हैं। इस तरह आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, इस तरह आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका सेंटर जो है वह चालू नहीं होगा। और कुछ भी अली भाई क्या कर रहे हैं कि उनकी आईडी तो किसी और गाँव की है और वो जो है वर्क अपने सेंटर पर किसी और गाँव में कर रहे हैं। इस तरह आप अगर अपने सेंटर की फोटो अपलोड करेंगे तो आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर मैंने यहाँ पर एक फोटो खींचा है और अब आपको इसकी फोटो की डिटेल दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी इधर डिटेल है फोटो की, आप देख सकते हैं जब मैंने अपने सेंटर का फोटो खींचा था तो वहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन आ चुकी है सेंटर की साइड में। तो आप क्या कर रहे हैं, आपका सेंटर किसी और गाँव की आईडी है आपके पास और आपका जो सेंटर है वह आप कहीं और चला रहे हैं और वहीं का आप फोटो अपलोड कर रहे हैं जहाँ पर आपका फिलहाल सेंटर चल रहा है। इस तरह आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी आईडी जो है वह किसी और गाँव की है और आप अपलोड जो है फोटो है किसी और गाँव का कर रहे हैं। तो इस तरह आप गलत फोटो अपलोड कर रहे हैं। आपको उसी गांव में जाकर किसी सेंटर की फोटो अपलोड करने हैं। यदि आप जहां पर आपका फिलहाल सेंटर चल रहा है और आपकी आईडी किसी और गांव की है वह फोटो अपलोड करते हैं तो इस तरह आपकी डिस्ट्रिक्ट आईडी जो है वह परमानेंट के लिए ही ब्लॉक कर दी जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि आप कैसे अपने सेंटर की फोटो सही से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको उसी गांव के सेंटर का फोटो अपलोड करना है जिस गांव के आपकी सीएससी आईडी है। यदि आप गलत फोटो अपलोड करते हैं, आपका सेंटर कहीं पर है, आप उसी की फोटो अपलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं आप जब अपने फोटो की डिटेल वहाँ पर चेक करते हैं तो वहाँ पर लोकेशन कहीं और की आती है। यही इसीलिए आपके जो फोटो है वहाँ पर उसी को चेक कर रहे हैं, जियो टैगिंग फोटो वही होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला था कि आप अपने सेंटर के फोटो जो है कैसे अपलोड करें। यदि आपको नहीं पता है कि आप अपने सेंटर की फोटो कैसे अपलोड करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको उसका वीडियो दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप अपने सेंटर के फोटो जो है वह कैसे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।